हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्पिता। आज जो फूल का पेड़ आप देख रहे हैं, ये रुद्राक्ष का प्लांट है। ये मैंने आसाम से मंगवाया है और ये मैंने एक 10 इंची गमले में लगाया हुआ है। ये मैंने 2 महीने पहले लगाया था और मैं आज आपको इसका अपडेट बता रही हूँ कि 2 महीने से मैंने इस प्लांट का किस तरह से केयर किया है और आज 2 महीने के बाद ये कैसा दिख रहा है। ये काफ़ी छोटा सा पौधा जो मैंने कुरियर में आया था, उसको मैंने उसी सॉइल में, क्योंकि काफ़ी बड़े से सॉइल मिक्स में आया था, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉइल था। जब मैंने 10 इंची में उसको लगाया तो मुझे थोड़ा सा ही सॉइल ऐड करना पड़ा, बाकी वो पूरा ही उसी से फिल हो गया गमला। तो जो मैंने सॉइल मिक्स ऐड किया उसमें प्लेन गार्डन सॉइल था, ना ही उसमें सैंड है, ना मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला है, सिर्फ गार्डन सॉइल, वो भी पुराने पेड़ों की मिट्टियाँ जो बची हुई थी उसी को मैंने उसमें ऐड कर दिया था और उसको लगा दिया था। अब जब मैं 2 महीने से इसमें पानी डाल रही हूँ तो ये मैं देख रही हूँ कि जो ओरिजिनल मिट्टी थी वो काफ़ी स्टिकी है, क्योंकि आसाम में था, शायद वहाँ पे नर्सरीज में स्टिकी सॉइल ही प्रेफर करते होंगे, शायद इसलिए हो सकता है, मैंने पता रीज़न क्या है, पर ये काफ़ी स्टिकी है। और इसी स्टिकी सॉइल में जब मैं डेली पानी डाल रही हूँ, और यहाँ तो अभी बारिश का सीज़न चल रहा था 2 महीने से, तो लगातार ये बारिश में ही पौधा है, पर ये पौधा अभी भी बहुत अच्छे से फ्रेश है। तो हो सकता है कि ये प्लांट, क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम रुद्राक्ष का पौधा ग्रो कर रही हूँ, तो हो सकता है इस प्लांट को थोड़ा स्टिकीनेस पसंद हो। अब जो मैं अपडेट में आपको दिखा रही हूँ, अब मैं इसमें थोड़े चेंजेस करने वाली हूँ। अब मैं इसकी गुड़ाई करूँगी, गुड़ाई करने के बाद एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ऐड करूँगी। इसमें मैं और कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये पौधा बोला जाता है कि शिव जी के बहुत प्रिय फल का है, मतलब रुद्राक्ष जो उनको बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसको लाना पसंद किया अपने घर में। इसके प्लांट्स देखिए, यहाँ पे हर एक नोड पे, मतलब जो टॉप मोस्ट टर्मिनल पोजीशन से, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे 5 पत्ती जैसे आम के उसमें आते हैं, पल्लव आते हैं, उसी तरह से ये भी आ रहा है। हो सकता है इसके ऊपर के मैं अगर ट्रिम कर दूँ तो शायद वहाँ से अच्छे से ब्रांचिंग हो जाए, पर कुछ कुछ एजेस में या कुछ कुछ टिप्स में, टर्मिनल पोजीशंस में यहाँ पे फूल आ गए हैं, इसलिए मैं उसको टच नहीं करूँगी। हाँ, बाकी 2-3 ऐसे एंड्स हैं जहाँ पे मैं पिंचिंग कर सकती हूँ, तो तीनों में से 2 जगह मैं पिंचिंग कर दूँगी और 1 को छोड़ दूँगी। देखते हैं वो किस तरह से अपना खुद का शेप किस तरह से चेंज करता है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे, और यहाँ पे 1, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पत्तियाँ भी निकल रही हैं और फूल के लिए कलियाँ भी आ रही है। ये मेरे लिए बहुत ही नया पौधा है, मैंने कभी देखा नहीं है, पर हाँ अभी बहुत लोग रुद्राक्ष का पौधा खरीदना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये फूल है, और मैंने बहुत सारे गूगल में मैंने रुद्राक्ष के फल के फ़ोटोज़ देखे तो वो काफ़ी ब्लूइश कलर के होते हैं, तो अगर ये बड़ा हो जाएगा तो शायद ये ब्लूइश कलर का होगा फल, और उसके अंदर में जो उसकी बीज होता है वो रुद्राक्ष है। तो मैं वेट कर रही हूँ कि कब ये बड़ा हो। वैसे इसका फ्लावरिंग सीज़न अभी है, पर फ्रूट्स आते आते नवंबर दिसंबर होता है, ठंड में आता है इसका फल, तो देखते हैं। पर इसका प्लांट का ग्रोथ मुझे बहुत पसंद आया। इसके प्लांट्स में मैं कुछ फर्टिलाइजर्स एज सच कुछ नहीं डाली हूँ आज तक, पर हाँ अभी मैं वर्मी कंपोस्ट डालूँगी 1 मुट्ठी। और इसमें जब क्योंकि जुलाई का मंथ पूरा बारिश ही था, अगस्त में एक बार ही सिर्फ मैंने बाकी पौधों के साथ इसमें फंगीसाइड्स और पेस्टिसाइड्स स्प्रे किया था, बाकी मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। तो होप्सों के बिना केयर के ही ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होगा, पर ये काफ़ी बड़े साइज़ का है, तो इन फ्यूचर मुझे इसको बड़े गमले में ट्रांसफ़र करना होगा। तो ये रहा मेरा रुद्राक्ष का पौधा। अगर आप लोग कोई लाना चाहे तो आप भी, मुझे लग रहा है ये मेंटेनेंस फ्री है, क्योंकि अभी तक मुझे इस पर कोई मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं है। तो अगर आप लोग लाना चाहे तो आप अपनी नर्सरी से इसको ढूंढ सकते हैं, शायद मिल जाए, और ना मिले तो कुरियर में भी आप मंगा सकते हैं। और इसको एक घर के छत पे या कहीं बालकनी में लगाइए, ये बहुत शुभ पौधा माना जाता है, शुभ या अशुभ का तो पता नहीं, पर ये बहुत हार्डी प्लांट लग रहा है। थैंक यू।